बीएचयू प्रकरण में पूर्व सांसद राजेश मिश्रा और बीएचयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव वाराणसी कमिश्नर से मिले। छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वालों पर कठोर कार्यवाही और निर्दोष को न फंसाने के लिए बनारस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सांसद ने बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाया कि सुरक्षा पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी विश्वविद्यालय की सुरक्षा भगवान भरोसे। पुलिस कमिश्नर ने बीएचयू प्रकरण पर यू टर्न लिया, मीडिया से जानकारी साझा करने से इनकार किया। कमिश्नर ने कहा कि छात्रा का 161 और 164 में मजिस्ट्रेट के सामने कलमबद्ध बयान हो चुका है। छात्रा का मेडिकल कराया जा चुका है, लेकिन ये जानकारी वो कोर्ट को देंगे। उनसे जब सवाल किया गया कि सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आ रही है, इस पर कमिश्नर ने कहा कि वो बढ़ी हुई धाराओं सहित इस मुद्दे पर कोई भी जानकारी साझा नहीं कर सकते। वो जो भी जानकारी होगी कोर्ट को बताएंगे। विद्यार्थी जो पढ़ने आया है वो किसी दल का नहीं है, वो पहले विद्यार्थी है, उसके बाद उसकी मानसिकता चाहे जो भी है, लेकिन पहले वो विद्यार्थी है और वो न्याय चाहता है। सारा आंदोलन न्याय के लिए है। और जिस तरह जबरदस्ती यूनिवर्सिटी प्रशासन लड़कों को मुलजिम बनाने की कोशिश कर रहा है, जो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, मुलजिम बनाने की कोशिश कर रहा है, उनका इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है। उन लड़कों को न्याय चाहिए। आज सीपी से आप लोग ने मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, हमने पत्र दिए, उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं। भाई इसमें कोई गलत बात हम कह रहे हैं तो फिर प्रशासन बता दे, हमको सीपी बता दें, XYZ कोई बता दे ना। हम तो कह रहे हैं ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, ये आंदोलन राजनीतिक नहीं है, ये सर्वदलीय विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हर जगह का विद्यार्थी पढ़ता है, और यदि इस तरह की घटना होगी तो विद्यार्थी उसका विरोध करेगा। तो ये विरोध इसलिए हो रहा है, इसमें दलीय आधार पर कोई मतलब नहीं है जो इसको दल पर बांटा जाए। और मांग क्या है? मांग यह है कि जो इस लड़की के साथ ये घटना घटी है वो उस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए, और जितने लोग इसमें मुलजिम हैं, कल्प्रिट हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो निर्दोष बच्चों पर जो मुकदमे कायम किए गए हैं उनको तत्काल प्रशासन वापस ले लें, और यूनिवर्सिटी में ये वाइस चांसलर को सलाह दें कि आप लड़कों से मिला करें, लड़कों से और आपके बीच में कम्युनिकेशन गए पुनः, इसलिए ये घटना घटी। इस प्रकरण में पीड़िता का 161 का बयान और 164 का बयान दोनों हो चुके हैं और मेडिकल हो चुका है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी फैक्ट आए वो माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाए जा रहे हैं, विधिक राय लेकर इसमें विवेचना जारी। कौन कौन सी धाराएं बढ़ी हैं? और मैं विवेचना से संबंधित कोई भी तथ्य आपसे मैं शेयर नहीं करता, मैंने न्यायालय को अवगत करा दिया। 9 दिन होने को आए हैं लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और ना ही गिरफ्तार हो पाई है, इसके बारे में हमारी हम लोग लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम जल्दी से प्रकरण के अनावरण की तरफ बढ़ेंगे।